नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। अयोध्या में रामराज की शुरुआत हो गई है। राम जी के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, कार्य प्रगति पर है और रामलला के आने की तारीख भी नजदीक है। तो वैसे में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण भी देने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण ट्रस्ट से जुड़े लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि खड़गे, सोनिया गांधी और चौधरी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया है। आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजे जाने की संभावना है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज चल रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। फिल्म कलाकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और कई बड़े उद्योगपतियों को ये निमंत्रण भेजा जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट के पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख राम लाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें समारोह के लिए आमंत्रित किया है। प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और उन्हें भव्य समारोह में आमंत्रित किया। अयोध्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। रामनगरी का वो दर्जा जो गौरव फिर लौट आया है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये आपने सुना होगा, लेकिन त्रेता युग का इतिहास कलयुग में दोहराने जा रहा है। श्री राम का दिव्य धाम में आगमन होगा तो उनके दर्शन के लिए भक्तों का, यानी जितना दिव्य मंदिर बन रहा है उतना ही दिव्य भव्य रेलवे स्टेशन भी होगा। अयोध्या का नव निर्मित रेलवे स्टेशन बाहर से जितना शानदार है, अंदर से भी उतनी ही अत्याधुनिक और सुविधाओं से लैस है। तो बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और सरयू तट से उनकी पहली आरती होगी। तो नजारा कितना अद्भुत होगा, अयोध्या कितनी भव्य दिखेगी। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन देश एक बार फिर दिवाली मनाने वाला है।